तो इधर 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण पर हर राम भक्त शामिल होना चाहता है, लेकिन आमंत्रण न मिलने के चलते लोग अलग अलग तरीके से श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। इंदौर के अगरबत्ती व्यवसाय परिवार ने 22 जनवरी को अगरबत्ती खरीदने वाले ग्राहकों को मुफ्त में अगरबत्ती उपलब्ध कराने का फैसला किया है। बता दें, इंदौर के विवेक खंडेलवाल और उनका परिवार कई सालों से अगरबत्ती के व्यवसाय में लगे हुए हैं। खंडेलवाल परिवार को लोकार्पण के दिन अयोध्या नहीं पहुंचने का मलाल है, लिहाजा पूरे परिवार ने प्रण लिया है कि 22 जनवरी को दुकान पर अगरबत्ती और धूप बत्ती लेने आए सभी ग्राहकों से कीमत नहीं वसूली जाएगी। श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में होने जा रहा है, हम लोग वहां जा नहीं पा रहे हैं, हमारा अगरबत्ती का काम है और हमने ऐसी भावना मन में आई है कि हम नहीं पहुंच रहे तो हमारे अगरबत्ती की सुगंध प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचे। 21 और 22 जनवरी को जितने भी हमारे यहाँ लोग आएंगे उनको हम अगरबत्ती निःशुल्क वितरित करेंगे, ताकि हमारी भावना ऐसी कि हमारा अगरबत्ती और पूजन का काम है, तो ऐसी एक भावना है कि प्रभु श्री राम के चरणों के अंदर हमारी सुगंध पहुंच पाए।